Hallelujah! Hallelujah! Yes, I will praise the Lord! Praise the Lord! God is good! All the time! Amen! Amen! अबे आपको बोल करिए हमारे जीवन का प्रभु अबे तो ने मान आपकी प्रशंसा करिए फादर वी कम इन जीसस नेम पिता हम यीशु के नाम में आते हैं वी वर्शिप यू हम आपकी आराधना करते हैं थैंक यू फॉर वंस अगेन योर गैदरिंग फिर से एक बार आपने हमें इकट्ठा किया हम आपका धन्यवाद करते हैं विल यू टॉक विद अस आज हमारे साथ बात करो ब्लेस विद योर वर्ड आपके वचन से आशीष दो ओपन योर ईयर हमारे कान खोलो ओपन योर आईज हमारी आंखें खोलो टच योर हार्ट हमारे हृदय को छू लो सो दैट वी कैन नो यू ताकि हम आपको जान सके कम होली स्पिरिट पवित्र आत्मा हो वी लव यू हम आपसे प्रेम करते हैं हमारे बीच में आप काम करो वी लव यू जीसस यीशु मसीह हम आपसे प्रेम करते हैं यू आर आवर लॉर्ड आप हमारे प्रभु हो वी बिलीव इन योर प्रॉमिस आपके वचनों में हम विश्वास करते हैं यू सेड When you gather, I will be with you. आपने कहा कि जब आप इकट्ठा होंगे तो आप हमारे मध्य में रहोगे We believe you are alive. हम विश्वास करते हैं आप जीवित हो Today, talk with us. आज हमारे साथ बात करो Bless your people. आपके लोगों को आशीष Father, I pray in Jesus name. पिता मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता Bless us. हमें आशीष दो Bless all. हरेक को आशीष Who are watching, who are joined with us. जो लोग देख रहे हैं जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबको Who are sitting and listening. जो मैं यहाँ बैठ कर सुन रहे हैं सब Bless all. सबको आशीष दो जीसस नेम यीशु के नाम में आमेन आमेन हालेलुया यहोवा का महिमा हो वी आर बीन कॉल्ड हमें बुलाया गया है व्हेन समवन कॉल यू टू मीट जब कोई आपको मिलने के लिए बुलाता है यू गो नीट एंड क्लीन यू ड्रेस अप वेरी वेल तो आप अच्छे कपड़े पहनते हो और साफ सुथरा होकर जाते हो यू आर बीन कॉल्ड आपको बुलाया गया है यू आर इनवाइटेड और आपको निमंत्रण दिया गया है जीसस क्राइस्ट केम इन दिस वर्ल्ड टू कॉल द पीपल यीशु मसीह इस दुनिया में आए लोगों को बुलाने के लिए व्हेन समवन कॉल फॉर टी एंड कॉफी यू नो व्हाट द मीनिंग जब कोई आपको चाय पर या कॉफी पर बुलाते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है आप जानते हो जस्ट गो एंड सर्च गूगल व्हाट इट मीन व्हेन समवन इनवाइट फॉर टी एंड कॉफी कॉफी जब कोई आपको चाय या कॉफी के लिए निमंत्रण दे तो उसका अर्थ क्या होता है वह समझने के लिए आप गूगल पर सर्च करके देखो There are songs even. उसके लिए गाने भी हैं शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है मेरी मम्मी ने चाय पर बुलाया है Do you know that? क्या आपको वह गाना पता है Why mothers call? मम्मी क्यों बुलाते हैं That For marriage. शादी की बात करने के लिए Now what is the purpose of our calling? तो हमारी बुलाहट का उद्देश्य क्या है Why Jesus has invited me? यीशु ने मुझे निमंत्रण क्यों दिया Why he has called me? उसने मुझे क्यों बुलाया And if you don't know the purpose, और यदि आप वह उद्देश्य को नहीं जानते हो तो Then you will come sit, take a cup tea and cup tea. You will take tea and you will go out. तो फिर आप आओगे बैठोगे और एक कप चाय लेकर पीकर निकल जाओगे Roman 8 chapter verse 28. रोमियो का पत्र आठवां अध्याय उसका 28वां वचन. God having purpose for your calling. आपकी बुलाहट के लिए परमेश्वर के पास उद्देश्य है. Here it says. यहाँ पर ऐसा लिखा गया है. All things work together for good to them that love God. कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है. For them it is good. उनके लिए सब भला है Those who are called, जिनको बुलाया गया है उनके लिए For only those it is good who are being called. जो लोगों को बुलाया गया है केवल वही लोगों के लिए सारी बातें भलाई की है According to his purpose, उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाया गया So he has called you with some purpose. तो उसने आपको बुलाया है कोई उद्देश्य के साथ Many times we think he has called us for dinner. बहुत बार आप सोचते हैं कि उसने हमें भोजन करने के लिए बुलाया है There are people who are following Jesus for food. ऐसे भी लोग थे जो खाने के लिए यीशु मसीह के पीछे चलते थे There are people who are calling Jesus and going to Jesus to be healed. और ऐसे भी लोग थे जो यीशु मसीह को बुलाते थे और यीशु मसीह के पास जाते थे चंगाई पाने के लिए Jesus has not called you to clap before him. यीशु मसीह ने आपको उसके सामने तालियां बजाने के लिए नहीं बुलाया है You know who claps. आप जानते हो ताली कौन बजाते हैं Lord has not called you that you come and sit.
प्रभु ने आपको इसीलिए नहीं बुलाया कि आप आओ और आकर बैठो. Jesus has not called you, invited you that you come and you just listen. यीशु आप आकर केवल बैठो और केवल सुनो, उसके लिए यीशु ने आपको नियंत्रण नहीं दिया. You go for theater, you go for a movie. What do you do there? जब आप मूवी देखने के लिए जाते हो तो वहां क्या करते हो? You just watch. आप केवल देखते हो. You just listen. और आप केवल सुनते हो. Jesus has a purpose. यीशु के पास उद्देश्य है. You come and sit and listen. आप आओ, बैठो और सुनो. And know the purpose what he has been, why he has been calling you. और आपको क्यों बुलाया है उसका उद्देश्य जान लो. Jesus called many people. यीशु ने बहुत लोगों को बुलाया. And disciples they left everything and followed Jesus Christ. और चेलों ने अपना सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे चल दिए. Why? Because children go to school. बच्चे पाठशाला में क्यों जाते हैं? Just go and sit. केवल वहां जाकर बैठने के लिए. They go and sit and listen and learn. वे जाते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं और सीखते हैं. And after education, they go out. और शिक्षा पाने के बाद वे बाहर जाते हैं. But until you don't know the purpose, you cannot go out and reach the world. जब तक आप अपना उद्देश्य नहीं जान लेते, तब तक आप बाहर जाकर दुनिया में नहीं जा सकते. You can pray, you can worship, you can read from Bible, you can give message, but this is not the purpose. आप गाना गा सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो, आप आराधना कर सकते हो, संदेश दे सकते हो, लेकिन यह उद्देश्य नहीं है. Why he has called you? What is the purpose of your calling? उसने क्यों बुलाया? उसकी बुलाहट का उद्देश्य क्या है? Romans 9:25 says. रोमियो का पत्र 9:25 वचन कहता है. Whom he knew, he called them, and he called them my people to be my people. Yes. कि जिसको वह जानता था, yes. उनको उसने बुलाया और उन्हें कहा, उनसे कहा कि वे मेरी प्रजा है. In Hosea says. होशिया की किताब में लिखा है. I will call them. कि मैं उनको बुलाऊंगा. To be my people. मेरे लोग मेरी प्रजा होने के लिए. And who are not my beloved. और जो मेरे प्रिय नहीं है. I'm calling them that I make them my beloved. मैं उनको इसीलिए बुला रहा हूं कि मैं उनको मेरे प्रिय बना लूं. To make them my people. उनको मेरे लोग बनाने के लिए. Whom you can punish. आप किसको शिक्षा कर सकते हो, सजा दे सकते हो? I cannot punish my brother. मैं मेरे भाई को सजा नहीं दे सकता. But his father can punish him. लेकिन मेरा पिता मुझे सजा दे सकता है. You can punish my wife. आप मेरी पत्नी को सजा नहीं दे सकते. Even you cannot message my wife. आप मेरी पत्नी को संदेश भी नहीं भेज सकते. I can message anything. मैं उसे उन्हें कुछ भी संदेश भेज सकता हूँ. When someone becomes your, जब कोई आपका बन जाता है, you can domino over him. तो आप उनके ऊपर अधिकार चला सकते हो. Kiss. आप चुंबन कर सकते हो. You can even love. और आप प्रेम भी कर सकते हो. Because it belongs to you. क्योंकि वह आपका हो गया है. You can die for that person. और उस व्यक्ति के लिए आप मर भी सकते हो. No one can stop you if you are beating. और यदि उस व्यक्ति को आप मारते हो तो कोई आपको रोक भी नहीं सकता. Because that belongs to that person. क्योंकि वह व्यक्ति उस व्यक्ति की है. I cannot insult anyone. मैं किसी का भी अपमान नहीं कर सकता. But who are mine, I can. Very well. लेकिन जो मेरे हैं, उनको मैं अच्छे से अपमान उनका कर सकता हूँ. When you submit yourself to Lord, जब आप अपने आप को प्रभु के हवाले कर देते हो, and Lord make you His own people, और प्रभु आपको अपनी प्रजा बना लेता है, and He can rule over you. तो फिर वह आपके ऊपर राज कर सकता है, अधिकार. He told you that you become His people. उसने आपको बुलाया ताकि आप उसके लोग, उसकी प्रजा बन जाओ. And once you become His, और जब एक बार आप उसके हो जाते हो, then He can do anything through you and to you. तो फिर वह प्रभु आपके द्वारा कुछ भी कर सकता है और आपको भी कुछ भी कर सकता है. That's what. प्रभु का परमेश्वर. उसने क्यों बुलाया? First. पर्पस. उसका पहला उद्देश्य. Romans 1:7 says. रोमियो का पत्र पहला अध्याय 7वां वचन कहता है. Paul says, I am writing you, O Roman people. और उस कहता है कि हे रोम के लोग, मैं
मैं तुमसे लिख रहा हूँ। Who are in Rome, beloved people, Christian people? रोम में जितने भी मसीह लोग, प्रिय लोग हैं, उनसे। Beloved of God, परमेश्वर के प्रिय लोग। You are called to be saint. तुम्हें संत बनने के लिए बुलाया गया है। Till there, you did. If you don't achieve a title of saint, then the purpose of God failed. मृत्यु तक और यदि संत होने का शीर्षक आप नहीं पा लेते हो तो परमेश्वर ने आपको जो बुलाया है वह बुलाहट व्यर्थ हो जाती है। He has called you, यदि उसने आपको बुलाया है, then you should be called Saint John, Saint Paul, Saint Peter. तो फिर आपको संत पौलुस, संत यूहन्ना और संत पत्रस ऐसा कहा जाना चाहिए। People should say Saint Pastor. पर लोगों को ऐसा देखकर कहना चाहिए व्यक्ति को कि पासवान संत है। Saint Isudas. और उसी तरह संत इशुदास। Many times we think that if someone died, this called saint. बहुत बार हम सोचते हैं कि यदि कोई मर जाता है तो उसके बाद वह संत बन जाता है। But Paul says you have been called that you be called saint. लेकिन पौलुस कहता है कि आपको इसीलिए बुलाया गया है कि आपको संत कहा जाए। Those who come out from the world, they are called saint. जो लोगों को संसार, जो लोग संसार में से बाहर आ जाते हैं, उनको संत कहा जाता है। Peter 1:15 says, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 15वां वचन कहता है, But just as he was called, call you holy, so be holy in all you do. पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। He has called you. उसने आपको बुलाया है। Who has called you? आपको किसने बुलाया है? The Holy One. जो पवित्र है उसने। He wants that you to be holy. और वह चाहता है कि आप भी पवित्र बनो। And so Bible in New Testament, the letters are written to saints only. इसीलिए पवित्र शास्त्र बाइबल में नया नियम के जितने पत्र है वह संत लोगों को लिखे गए हैं। Unless you don't be saint, you should not read Bible. जब तक आप संत नहीं बनते हो तब तक आपको बाइबल नहीं पढ़ना चाहिए। Bible is for the saint people. बाइबल संत लोगों के लिए है। Matthew, Mark, Luke, John. मत्ती, मार्क, यूहन्ना और लूक। These are gospel for the sinner. यह सुसमाचार पापी लोगों के लिए है। Who are joined with the church? लेकिन जो लोग कलीसिया के साथ जुड़ जाते हैं, they are called to be holy. उनको पवित्र बनने के लिए बुलाया गया है। First chapter verse 2. पहले कुरंथी का पत्र पहला अध्याय दूसरा वचन। Salute to you, O church of Corinth. कि हे कुरंथी के संत, तुम्हें कुशल हो। To the church of God, which is at Corinth. परमेश्वर की उस कलीसिया, कलीसिया के नाम जो कुरंथ में है। To them that are sanctified in Jesus Christ. जो मसीह यीशु के नाम में पवित्र किए गए। Called to be saints. और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। So here we see that you are called to be holy, you are called to be saint. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आपको पवित्र बनने के लिए और संत कहलाने के लिए बुलाया गया है। John 17:16. यूहन्ना का सुसमाचार 17वां अध्याय 16वां वचन। Jesus said that as I am not of this world. यीशु ने कहा कि जैसे मैं संसार का नहीं। These disciples they are too not of this world. वैसे ही यह चेले भी इस संसार के नहीं। Yes. You are called to not to just. You are called to listen. आपको सुनने के लिए बुलाया गया है। So that you can know the purpose of Jesus Christ. ताकि आप यीशु मसीह का उद्देश्य जान लो। Verse 14. यूहन्ना का 17वां अध्याय 14वां वचन। Yes, John 17:14. यूहन्ना का सुसमाचार 17वां अध्याय 14वां वचन। Jesus said, I have promised them that I will give them your word. यीशु ने कहा कि मैंने उन्हें वचन दिया है, पहुंचा दिया है और Yes, I have promised them. मैंने उनको वचन दिया है। The world has hated them because I have promised the word. और संसार वालों ने उनसे नफरत की है क्योंकि मैंने उनको वचन दिया है। They are not of this world. और वे लोग इस संसार के नहीं है। So you are called to be separate from the world. तो इस संसार से अलग होने के लिए आपको बुलाया गया है। You know Nazari? आप नाजरी का अर्थ नाजरी जानते हो? You know Samson? आप सैमसन को जानते हो? He was Nazarite. वह नाजरी था। He was separate from the world. वह संसार से अलग था। And so upon him, Spirit of God was hovering.
इसलिए उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरता था। और जहां कहीं भी जब भी वह गया पवित्र आत्मा सांसुन के साथ था। Jesus said, I'm building my church. यीशु ने कहा कि मैं मेरी कलीसिया बना रहा हूं। Church means called out people from the world. कलीसिया का अर्थ होता है संसार में से बुलाए हुए लोग। And they are joined together to come and to come together. और उनको एक साथ एक होने के लिए बुलाया जाता है। सबको संसार में से बुलाया जाता है इकट्ठा होने के लिए। They unite. वे एक होते हैं। So Jesus has called to be separate. तो यीशु ने इसीलिए बुलाया है ताकि अलग हो जाए संसार से। You are not like the worldly people. आप संसार के लोगों के जैसे नहीं हो। You can wear tie, coat, everything, but you are not of this world. आप टाई पहन सकते हो, कोट पहन सकते हो, लेकिन इस संसार के लोगों के जैसे नहीं हो। Jesus has called you, and you are a different person. यीशु ने आपको बुलाया है और आप एक अलग व्यक्ति हो। As someone get a job and a government job, if someone receive or if he catch you. यदि किसी को सरकारी नौकरी प्राप्त होती है या मिलती है, he's been called government servant. तो उसे सरकारी चाकर या नौकर कहा जाता है। When you are called, then you are separated person. जब आपको बुलाया जाता है, तो आप अलग कर दिए हुए व्यक्ति हो। In Revelation 22 and verse 15 it says that dogs are outside. प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय 15वें वचन में ऐसा कहा गया है कि कुत्ते बाहर हैं। So who are inside? तो जो लोग कौन अंदर है? They are holy people. जो लोग अंदर है वे पवित्र लोग हैं। So you are called to be holy. तो आपको पवित्र बनने के लिए बुलाया गया है। People come to sanctify, to be sanctified. लोग आते हैं ताकि वे शुद्ध हो जाए। Resort. प्रभु का महिमा हो। And if you don't sanctify yourself, और यदि आप अपने आप को शुद्ध ना करो, then you are not being called. तो फिर आपको बुलाया नहीं गया है। You should be separate from the world. आपको संसार से अलग होना चाहिए। Second thing. दूसरी बात, प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु का महिमा हो। रोमन 8:29 says, रोमियो का पत्र 8वां अध्याय 29वां वचन कहता है, God foreknew the people from before. God knew such people. पहले से परमेश्वर ऐसे लोगों को जानता था। And he had predestined to be conformed to the image of his son. He had already prepared or decided that they be like Jesus Christ. और परमेश्वर ने उनके लिए पहले से ठहराया भी है कि वे उसके पुत्र यीशु मसीह के स्वरूप में हो जाए। So you are called that you be like Jesus Christ. तो आपको इसलिए बुलाया गया है कि आप यीशु मसीह के जैसे बनो। Paul was called. पौलुस को बुलाया गया था। Galatians 1:15-16. Just listen. गलाती का पत्र पहला अध्याय 15 और 16 वचन। To reveal his son in me, he called me, Paul says. पौलुस कहता है कि उसके पुत्र को मुझ में प्रकट करने के लिए उसने मुझे बुलाया। Paul was called. पौलुस को बुलाया गया था। There were many Israeli people. वहाँ पर बहुत सारे इजरायली लोग थे। But Paul was called. लेकिन पौलुस को बुलाया गया। He was separated from the society. उसे समाज से अलग किया गया। And here it says. और यहाँ पर ऐसा कहा गया है। God pleased. He was pleased. जब परमेश्वर को अच्छा लगा, खुशी लगी। He separated me from my mother's womb and called me by His grace. तब उसने मुझे मेरे माँ के गर्भ से अलग किया और अपने अनुग्रह में मुझे बुलाया। He called me to reveal His Son in me. उसने मुझे इसीलिए बुलाया कि उसके बेटे को मुझ में प्रकट करे। And I preach Jesus Christ. और मैं यीशु मसीह का प्रचार करता हूँ। So you are called to be like Jesus Christ. तो यीशु मसीह के जैसे बनने के लिए आपको बुलाया गया है। Kind as Jesus Christ. यीशु मसीह के जैसे दयालु बनने के लिए। To be powerful like Jesus Christ. और यीशु मसीह के जैसे सामर्थ्य बनने के लिए। And do work, mighty work like Jesus Christ. और यीशु के जैसे महान काम करने के लिए आपको बुलाया गया है। I want to die. Before that, I want to be like Jesus Christ. मैं मरूं से पहले मैं प्रभु यीशु मसीह के जैसा बनना चाहता हूँ। This is my goal. यह मेरा लक्ष्य है। 2 Thessalonians 2:14 says. दूसरा थिस्सलुनीका का पत्र दूसरा अध्याय 14वां वचन कहता है। To obtain glory of our
called me by the gospel. हमारे प्रभु someone preached the gospel, I was called. जब कोई सुसमाचार का प्रचार कर रहा था तब मुझे बुलाया गया हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा पाने के लिए. प्रभु का महिमा हो. So unless you are not like Jesus Christ, your calling failed. You are being called, you don't know the purpose. तो जब तक आप प्रभु यीशु मसीह के जैसे नहीं बनते हो तो आपकी बुलाहट व्यर्थ हो जाती है और आपका आपका बुलाने का उद्देश्य व्यर्थ हो जाता है. You should be like Jesus Christ, humble like Jesus Christ. आपको यीशु मसीह के समान बनना चाहिए उसके जैसे नम्र भी. Kind like Jesus Christ. और यीशु मसीह के जैसे दयालु. Long suffering like Jesus Christ. और यीशु मसीह के जैसे सहन शक्ति वाले धीरज. Forgiving all and forgetting all. सबको माफ करने वाले और सबको भूल जाने वाले. Jesus Christ, like Jesus Christ. उस तरह के यीशु मसीह के जैसे. So you are called to be exactly like Jesus Christ. तो यीशु मसीह के समान ही बनने के लिए आपको बुलाया गया. Before you die, आप मरो उससे पहले. You should be called like Jesus Christ. आप यीशु मसीह के समान हो ऐसा आपको कहा जाना चाहिए. Praise God. प्रभु का महिमा हो. चौथी बात. What was the purpose of your calling? तीसरी बात आपकी बुलाहट का उद्देश्य क्या है. फर्स्ट कुरिन्थियस 7 वर्स 21. पहले कुरिन्थियों का पत्र 7वां अध्याय 21वां वचन. यू आर कॉल्ड टू बी सर्वेंट. आपको सेवक बनने के लिए बुलाया गया है. सो यू सबमिट योरसेल्फ टू जीसस क्राइस्ट. इसीलिए कि आप अपने आप को यीशु मसीह की अधीनता में दे दो. यू डोंट डिसओबे हिम. आप उसका आज्ञा उल्लंघन ना करो. व्हाटएवर ही से यू डू इट. वह जो कुछ भी कहे आप वह करो. Silently do it without murmuring. चुप रहकर कचकच किए बिना आप वह करो. Be servant. आप दास बनो. You are called to be for liberty. You are called for liberty. आपको स्वतंत्रता के लिए बुलाया गया है. Come, आओ, and submit yourself. और अपने आप को अधीनता में दे दो. Willingly give yourself. खुशी से अपनी इच्छा से अपने आप को दे दो. And call yourself servant. और अपने अपने आप को सेवक कहो दास कहलाओ. नॉट सर्वेंट ऑफ सिन. पाप के दास नहीं. बट सर्वेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट. लेकिन यीशु मसीह के दास. गलातियों 5th चैप्टर वर्स 13. गलाती का पत्र 5वां अध्याय 13वां वचन. यू शुड नॉट सबमिट योरसेल्फ टू डू सिन. अपने आप को पाप करने के लिए पाप की अधीनता में ना दो. फॉर ब्रदर्स यू हैव बीन कॉल्ड टू लिबर्टी. कि हे भाइयों तुम्हें स्वतंत्र होने के लिए बुलाया गया है. यू शुड नॉट डू सिन अगेन एंड अगेन. आप दोबारा बार बार पाप ना करो. यू डोंट कम अंडर सच योग. इस तरह के बंधन के अधीनता में आप ना हो. डोंट कम इन एनी बर्डन. कोई बोझ के तले ना हो. डोंट अगेन फॉल द सेम हैबिट एंड बी इन बॉन्डेज. फिर से वही आदत को ना मानो. आदत वाले ना बन जाओ और बंधन में ना जाओ. बट बी फ्री. लेकिन स्वतंत्र हो जाओ. वी नो सैमसन स्टोरी. हम सैमसन की कहानी जानते हैं. दलाइला सी से हाउ कैन वी बाइंड यू. दलाइला ने पूछा हाउ कैन वी बाइंड यू. दलाइला ने पूछा कि हम तुझे कैसे बांध सकते हैं. यस You should not be bound by anything. कोई भी प्रकार से आप बंधन में नहीं आने चाहिए. Praise God. प्रभु परमेश्वर का महिमा. You are called to be free. आपको स्वतंत्र होने के लिए बुलाया गया है. Nothing should be make you bond. कोई भी बात आपको दास ना बना ले. You should not be slave to anyone. आप किसी के दास या गुलाम ना बनो. But to love another, serve another. लेकिन एक दूसरे को प्रेम करने के लिए एक दूसरे की सेवा करने के लिए सेवक बनो. यू कैन सबमिट योरसेल्फ जस्ट टू सर्व अदर पीपल. आप कलीसिया के हवाले नियंत्रण में अपने आप को दे सकते हो दूसरों की सेवा करने के लिए. नॉट टू बी अंडर एनी पर्सन. कोई व्यक्ति की अधीनता में नहीं. मेनी टाइम वी आर बाइंड ऑफ सोसाइटी. बहुत बार हम समाज या सोसाइटी के बंधन में आ जाते हैं. What should I say to the people if I will go there and he's there? I will do this. यदि मैं यहाँ वहाँ जाऊँ या यह करूँ तो मैं समाज वालों को सोसाइटी वालों को क्या जवाब दूंगा ऐसा हम सोचते हैं. I have to say, I have to ask
and permission and I have to go. उनसे मुझे परवानगी लेनी पड़ेगी, फिर मुझे जाना पड़ेगा। So here we are being called to be free, set free from such things. तो ऐसी सारी बातों से स्वतंत्र होने के लिए हमें यहाँ बुलाया गया है। Israel was called that they be set free. इज़राइल को इसीलिए बुलाया गया कि वे स्वतंत्र हो जाए। And Pharaoh said that go and just come back. और फिरौन ने कहा केवल जाओ आराधना करने के लिए फिर वापस आ जाना। Go and serve your Lord, come back. जाकर अपने प्रभु की सेवा करो फिर वापस आ जाना। But Lord want that you be set free from all the bondage. लेकिन प्रभु चाहता है कि आप सारे बंधनों से आजाद हो जाओ। So this is the purpose of him. तो यह उसका उद्देश्य है। Why he called? Fourth point. वह उसने क्यों बुलाया? वह क्यों बुलाता है? चौथा मुद्दा। Yes, we see in Matthew 5th chapter verse 16 that sign, let your light so shine before the people that they see good work and praise your father. हाँ, मत्ती पांचवा अध्याय 16 वचन में हम देखते हैं कि उसने हमें क्यों बुलाया, ताकि हम हमारा उजियारा मनुष्यों के सामने चमके कि वे हमारे भले कामों को देखकर हमारे पिता की बढ़ाई करें। So he has called you that people can see you. तो उसने आपको इसीलिए बुलाया है ताकि लोग आपको देख सके। You are a changed person. कि आप बदल एक बदले हुए व्यक्ति हो। You are a kind person. और आप दयालु व्यक्ति हो। And they know how good he is who call you. Let the people know who call you is so good. और लोग यह जान ले कि जिसको आपने बुलाया है वह कितना भला है। Know how good he would be if his children are so kind. Let the people know how good you are. आप कितने भले हो, अच्छे हो, वह देखकर लोग यह सोचे कि उनका पिता कितना भला होगा। That's all. प्रभु का महिमा हो। So you are called to shine. तो आपको उजिया चमकने के लिए बुलाया गया है। People know you, you are a different person. और लोग आपको जान ले कि आप एक अलग व्यक्ति हो। In 1 Peter 2 verse 9 says, पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय 9वां वचन कहता है, He has called you in the light. उसने आपको उजियारे में बुलाया। You were in darkness, he called you in the light. आप पहले अंधेरे में थे और उसने आपको उजियारे में बुलाया। He has chosen you. उसने आपको पसंद किया। As holiness, एक पवित्र प्रजा, पवित्र लोग समझकर पसंद, पवित्र लोग बनने के लिए पसंद किया। यशायाह 43 verse 7 says, यशायाह की किताब 43वां अध्याय 7वां वचन कहता है, I will call you for my glory. मैंने तुम्हें मेरी महिमा के लिए बुलाया है। Everyone should call, everyone whom I have called, I have created all for my glory. जिनको मैंने बनाया है वह सबको और जिनको मैंने बुलाया है उनको मेरी महिमा के लिए बुलाया है। Let people see and believe me. कि लोग यह देखें और मेरा विश्वास करें। Let they see this visible person and worship the invisible. कि लोग यह दृश्यमान व्यक्ति को देखकर जो अदृश्य व्यक्ति है उसकी में। Pharaoh was raised and the Israel came to know how great Pharaoh is. फिरौन को उठाया गया था और इजरायली लोगों को पता चला कि फिरौन कितना महान है। रोमन 8 चैप्टर 6:17, 9 चैप्टर वर्स 17। रोमियों का पत्र 9वां अध्याय 17वां वचन। फैरो वाज रेज्ड स्टबर्न सो दैट पीपल नो गॉड इज ग्रेट। फिरौन को हठीला किया गया ताकि लोग परमेश्वर की कृपा को देखें। People see how great God is. और लोग परमेश्वर कितना महान है यह लोग देख ले। So through you, God wants to shine. तो आपके द्वारा परमेश्वर अपने आप को दिखाना चाहता है, चमकाना चाहता है। People they don't believe in the God, in God. लोग परमेश्वर में विश्वास नहीं करते। But you are called that people believe in God. लेकिन आपको बुलाया गया है ताकि आपको देखकर लोग परमेश्वर में विश्वास करें। Roman 8 verse 30 says, रोमियों का पत्र 8वां अध्याय 30वां वचन कहता है, You are called and justified and glorified. आपको बुलाया गया है, आपको धर्मी ठहराया गया है और महिमामंद किया गया है। So this is the reason he has called you. तो यह वजह है कि उसने आपको बुलाया है। So that he can be magnified. ताकि उसकी महिमा हमारे द्वारा हो। Praise God.
परमेश्वर का महिमा हो। First Peter 5 verse 10 says, पहला पत्रस 5वां अध्याय 7वां वचन कहता है, For eternal glory you have been called. अनंत काल के महिमा के लिए आपको बुलाया गया है। Jesus was asked where his father, I want to see father. Philip asked. फिलिप ने यीशु को पूछा था कि पिता कहाँ है, मैं पिता को देखना चाहता हूँ। And Jesus said, you saw me. और यीशु ने कहा तूने मुझे देखा है। And you saw me, so you are interested to know God. और तूने मुझे देखा है इसीलिए परमेश्वर को जानने का तुझे मन लगा और इच्छा हुई है। So when someone see you, तो जब कोई आपको देखता है, and they don't follow God or go in search of God, और फिर आपको देखने के बाद परमेश्वर के पीछे ना चले या परमेश्वर को ढूंढने ना निकले, then you are not shining. तो फिर आप नहीं चमक रहे हो। If you are doing good, यदि आप अच्छा काम कर रहे हो, and people they inquire who God is, और आपको देखकर लोग पूछताछ करने लगे कि परमेश्वर कौन है, how good his father would be, let us go and see. इस व्यक्ति का पिता कितना अच्छा होगा, आइए जाकर देखें, ऐसा लोग कहे तो। Jesus raised dead people. यीशु ने मरे हुए लोगों को जिंदा किया। And so people followed to know where the power is coming from. इसलिए लोग यीशु के पीछे चलने लगे यह देखने के लिए कि इसके पास यह सामर्थ कहां से आता है। How good he is. और वह कितना भला है। And how good his father would be. और उसका पिता कितना भला होगा वह देखने के लिए। So Philip asked. इसलिए फिलिप ने पूछा। So seeing you, people should come to God. तो आपको देखकर लोग परमेश्वर के पास आने चाहिए। That's what. परमेश्वर का महिमा हो। To be glorified, he has called you. महिमा मंद होने के लिए उसने आप बुलाया है। Fifth reason. पांचवा वजह कारण। Hebrews 12 chapter 21 verse 23 just listen. इब्रानियों का पत्र 12 अध्याय 22 से 23 वचन। We have come near to the church. कि हम कलीसिया के पास आए हैं। He has called us near water. उसने हमें पानी के पास बुलाया है। He has called us near the saint where they are living. और जहां संत लोग जीते हैं वहां पर उनके करीब उसने हमें बुलाया है। He has called us near the people who are born again. जो लोग नया जन्म पाए हैं ऐसे लोगों के पास उसने हमें बुलाया है। You are called near the mountain Zion. और सियोन पहाड़ के पास उसने बुलाया है। He has called you, who invited you in the heavenly Jerusalem. और उसने आपको स्वर्गीय यरूशलेम में निमंत्रण दिया है। Angels are dwelling. वह जहाँ पर हजारों स्वर्गदूत रहते हैं। So you are called, invited in a general assembly. तो एक ऐसी सभा में आपको बुलाया गया है, निमंत्रण दिया गया है। साधारण सभा की कलीसिया में आपको बुलाया गया है। You are being called to join the church. कलीसिया के साथ जुड़ने के लिए आपको बुलाया गया है। And that church is in heaven. और वह कलीसिया स्वर्ग में है। And that heaven has come down. और वह स्वर्ग नीचे आया है। Praise God. प्रभु का महिमा। Hebrews 4 chapter verse 3 says. इब्रानियों का पत्र 14 अध्याय 3 वचन कहता है। Many people they didn't receive fruit. बहुत लोगों ने फल नहीं पाए। When you pray and the prayer is not heard. जब आप प्रार्थना करो और प्रार्थना सुनी नहीं जाती, then you are you. It means you are not bearing fruit. तो उसका अर्थ यह है कि आप फल नहीं दे रहे हो। You don't see fruit. आप फल नहीं ढूंढ रहे हो। There are people who didn't receive fruit. ऐसे लोग थे जिन्होंने फल नहीं पाया। Some were healed, some were not healed. कुछ लोगों को चंगाई मिली, कुछ लोगों को चंगाई नहीं मिली। Some entered in. The promised land something entered. कुछ लोग वचन के उस देश में गए और कुछ लोग वहां प्रवेश नहीं कर पाए। All came out. सब लोग वहां से बाहर को निकले थे। But some reached the place, some died in between. लेकिन कुछ लोग उस जगह तक पहुंचे और कुछ लोग बीच में ही मर गए। So in Hebrews 4 and 3 says. तो इब्रानियों का पत्र 4 अध्याय 3 वचन कहता है। Why some didn't receive the fruit? कि कुछ लोगों ने फल क्यों नहीं पाए? Their seed much, their source seed much. उन्होंने बहुत बीज बोए, बहुत पसीना बहाया। But why fruit doesn't they didn't receive the fruit? फिर भी उन्होंने फल क्यों नहीं पाए? Because they didn't part, they didn't agree
with the people who have been called. क्योंकि जो लोगों को बुलाया गया था उनके साथ वे दूसरे लोग सहमत नहीं हुए. They did unite with the people who are being called to join the church. कलीसिया में जुड़ने के लिए जो लोगों को बुलाया गया है उनके साथ वे दूसरे लोग एक नहीं हुए, सहमत नहीं हुए. So you are being called. तो आपको बुलाया गया है. Ephesians 4:4 says. एफेसी का पत्र चौथा अध्याय चौथा वचन कहता है. To be one in the body. शरीर में एक होने के लिए. Praise God. परमेश्वर का महिमा हो. With one hope he has called. एक आशा के साथ उसने आपको बुलाया है. He is willing people when I call they should do something. उसकी इच्छा है कि जब मैं लोगों को बुलाऊं तो लोग कुछ करें. They come and join in body. कि वे आए और शरीर में जुड़े. When you are attached with the body. जब आप शरीर के साथ जुड़े हुए होते हो. He can use you. तो वह आपका उपयोग कर सकता है. If a hand is fine, if it is cut off and it doesn't remain in the body, it is not being used. यदि हाथ शरीर से काट दिया गया हो और दूर हो तो वह उपयोगी नहीं बनता है और शरीर के काम में नहीं आ सकता है. Colossians 3:15 says. कोलोसी का पत्र तीसरा अध्याय 15वां वचन कहता है. You are called in one body. कि तुम्हें एक शरीर में बुलाया गया है. You are called to be in united to the body. एक से एक देह में एक होने के लिए आपको बुलाया गया है, निमंत्रण दिया गया है. Anyhow, you join with the church. कुछ भी करके आप कलीसिया के साथ जुड़ जाओ. That is what God purpose is. यह परमेश्वर का उद्देश्य है. Sixth purpose of your calling. आपकी बुलाहट का छठा उद्देश्य. Here in Acts 16:10 says. यहाँ पर ग्रीकों के काम 16:10 वचन कहता है. He has called us to preach, go and preach. उसने हमें बुलाया है ताकि हम बाहर जाएं और प्रचार करें. Mark 3:13. मरकुस का सुसमाचार 3:13. Here Jesus went up on the mountain and he called them. यहाँ पर यीशु पर्वत पर गया और यीशु ने उनको बुलाया. Who he wanted, he called them. वह जिनको चाहता था उनको बुलाया. And he ordained them. और उनको दीक्षा दी. And he, so that they can be with Jesus Christ. और इसीलिए बुलाया ताकि वे यीशु मसीह के साथ रहे. And that he might send them to go and preach. ताकि वह उनको बाहर भेजे और प्रचार करे. So Jesus purpose is that you come and be prepared and go and preach. तो यीशु का उद्देश्य यह है कि आप आओ, तैयार हो जाओ कि बाहर जाकर प्रचार करो. Jeremiah 1:5 says. यर्मिया की किताब पहला अध्याय 5वां वचन कहता है. God knew me before the my birth. मेरे जन्म से पहले परमेश्वर मुझे जानता था. He had formed me in my mother's womb. उसने मेरी माँ के पेट में मुझे रचा. Before I come out from the womb, I was been sanctified. I been separated. गर्भ में रचने से पहले, पेट से बाहर आने से पहले मुझे पवित्र किया गया, अभिषेक किया गया. He has already planned for me. पहले से उसके पास मेरे लिए योजना थी. He has ordained me as a prophet. और मुझे भविष्यवक्ता बनाकर नियुक्त किया. Praise God. प्रभु का परमेश्वर का महिमा हो. So you might be called for pastor. तो आपको पासवान बनाने के लिए बुलाया जाए. You might be called to go and preach. आपको शायद बाहर जाकर प्रचार करने के लिए बुलाया जाए. You might be called as an apostle. आपको शायद प्रेरित बनने के लिए बुलाया जाए. You might be called to for evangelism. और आपको शायद सुसमाचार का काम, सुसमाचार फैलाने के लिए बुलाया जाए. Jeremiah 23:22 says. यर्मिया की किताब 23:22 वचन कहता है. I have called them and they are standing in my presence. मैंने उनको बुलाया है और वे मेरी सभा में खड़े हैं. But there are other people who did join me and they went out. लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए नहीं है, फिर भी बाहर नहीं गए हैं. I didn't invite them. मैंने उनको निमंत्रण नहीं दिया. I didn't call them. मैंने उनको नहीं बुलाया है. And I didn't send them. और मैंने उनको नहीं भेजा है. So Lord calling you that you go out. तो प्रभु आपको बुला रहा है ताकि आप फिर बाहर जाओ और वचन का प्रचार करो. Romans 1:1 says.
रोमियो का पत्र पहला वचन कहता है, Paul says I will call to be apostle. पौलुस कहता है कि प्रेरित बनने के लिए मुझे बुलाया गया. You go to school? आप पाठशाला में जाते हो. What you come out? फिर वहां से आप बाहर कैसे आते हो? What you be from after completing school? पाठशाला पूरी करने के बाद आप क्या बनते हो? You might come out as doctor. आप शायद डॉक्टर बनकर बाहर आते हो. या फिर कोई इंजीनियर बनकर आते हो. और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक. या फिर कोई साधन सामग्री को ठीक करने वाले बनकर बाहर आते हो. कम आउट एज आर्किटेक्ट. या फिर कोई आर्किटेक्ट बनकर आप बाहर आते हो. कम आउट एज पायलट. या फिर पायलट बनकर आप बाहर आते हो. कम आउट एज वॉरियर आर्मी मैन. या फिर आप सैन्य के सैनिक बनकर बाहर आते हो. When you go to church, if you come out as pastor, your God, it's good. Glory goes to God. जब आप कलीसिया में जाते हो और पासवान बनकर बाहर निकलते हो, तो यह परमेश्वर की महिमा है. If you come out as prophet, यदि आप भविष्यवक्ता बनकर कलीसिया से बाहर निकलते हो, come out as apostle, या प्रेरित बनकर बाहर निकलते हो, the purpose of God is fulfilled. तो भी परमेश्वर का उद्देश्य पूरा होता है. And if you don't come out as God calling. और परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार यदि आप कलीसिया से बाहर नहीं आते हो, God purpose you didn't knew, you mean God has, you don't know the purpose of God. तो भी उसका अर्थ है कि आप परमेश्वर की बुलाहट का उद्देश्य नहीं जानते. Yes, God is a prophet and you are going out as an evangelist. उसने आपको भविष्यवक्ता बनने के लिए बुलाया है और आप सुसमाचार सुनाने वाले बनकर बाहर निकल जाते हो. All prophet or either the apostle are all master degree. और सारे भविष्यवक्ता या तो प्रेरित के समान होते हैं या सबसे ऊंची डिग्री वाले होते हैं. So if either if you are a prophet, if you are apostle, if you are been called as teacher, if you are been called as pastor, evangelist, then it is all a high post. यदि आपको भविष्यवक्ता के नाम पर बुलाया गया हो या पासवान बनाने के लिए या प्रेरित बनाने के लिए या शिक्षक बनाने के लिए या सुसमाचार देने वाले बनाने के लिए बुलाया गया है, तो यह सारी पदवी बहुत ही कीमती और ऊंची पदवी है. Jesus was pastor. यीशु पासवान था. Jesus was apostle. यीशु प्रेरित था. If you read whole Bible, you would find. यदि आपने पूरा बाइबल पढ़ा हो तो आपको पता चलेगा. Hebrews 3 chapter, Jesus was apostle. इब्रानियों का पत्र तीसरा अध्याय, वहां पर यीशु पासवान था. John 4 chapter, Jesus was prophet. और यूहन्ना का सुसमाचार चौथा अध्याय, यीशु पासवान था. He was prophet. माफ करना, यीशु भविष्यवक्ता था. And in John 10:10, Jesus was 10:11, he was pastor. और यूहन्ना का सुसमाचार दसवां अध्याय 11 वचन कि यीशु पासवान था. In Mark 3 chapter, Jesus was as a teacher. और मरकुस का सुसमाचार तीसरा अध्याय, यीशु शिक्षक था. So you have been called to be something. तो आपको कुछ बनने के लिए बुलाया गया है. Called to join the church. कलीसिया के साथ जुड़ने के लिए आपको बुलाया गया है. Called to be holy. आपको पवित्र बनने के लिए बुलाया गया है. Seventh point. सातवां मुद्दा. Why you have been called? आपको क्यों बुलाया गया है? Second Timothy first chapter verse 9 it says, you are called that you anyhow save yourself. आपको इसीलिए बुलाया गया है कि कुछ भी करके आप अपने आप को बचा लो. दूसरा तीमोथी का पत्र पहला अध्याय 9 वचन में यह लिखा है. You are not saved by your good work. आपके अच्छे कामों से आपको बचाया नहीं गया है. But he gave you grace. लेकिन उसने आप पर अनुग्रह किया है. So he has promised eternal life. इसीलिए उसने अनंत काल के जीवन का आपको वचन दिया है. Without salvation, उद्धार के बिना you cannot be useful. आपका उद्धार आपका उपयोग नहीं हो सकता. Matthew 9:17-13, Jesus said, I came to call sinner. मत्ती का सुसमाचार 9वां अध्याय 13 वचन में यीशु ने कहा, पापियों को बुलाने के लिए मैं आया हूँ. The sinner repent and save himself. कि पापी लोग प्रायश्चित करें और अपने आप को बचाएं. So if Jesus has called you, तो यीशु ने यदि आपको बुलाया है तो not to remain sinner, पापी रहने के लिए नहीं बुलाया, but to save, be saved. लेकिन उद्धार पाने के लिए बुलाया है. Second Timothy 1:1 chapter verse 15 says, दूसरे तीमोथी का पत्र पहला अध्याय 15 वचन कहता है, Lord has called me. कि प्रभु ने मुझे बुलाया है. He came to save me. वह मेरा उद्धार करने के लिए आया. This is a faithful servant.
एक्सेप्शन इज फर्स्ट इमोटी. फर्स्ट इमोटी फर्स्ट चैप्टर वर्स 15. माफ करना पहले तिमोथी का पत्र पहला अध्याय 15वां वचन. यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है. यस यू कैन एक्सेप्ट दिस. इस बात का आप स्वीकार कर सकते हो. यू कैन रिसीव दिस. इसे आप पा लो. पॉल से इट इज बिलीवेबल थिंग. पौलुस कहता है कि यह हर प्रकार से मानने योग्य बात है. दैट जीसस क्राइस्ट केम इन दिस वर्ल्ड. कि प्रभु यीशु मसीह संसार में आया. द पर्पस ऑफ हिज कमिंग was to save the people. Uska aane ka uddeshy yah tha ki woh logon ko bacha le. And when he came, people said that they are sinner. They found out that who they are. Aur jab Yeshu aaya tab logon ko pata chala ki ve log kaun the aur unhone kabula ki hum paapi hai. And Paul says, aur Paulus kehta hai, I am the chief in the sinner. Ki paapiyon mein main mukhya hu. He came to save me. Woh mujhe bachane ke liye aaya. To save myself. उसने मुझे बचाने के लिए मुझे बुलाया. John 8 and verse 24 says. योहन्ना का सुसमाचार 8वां अध्याय 24वां वचन कहता है. Jesus said. यीशु कहता है. If you don't believe me, I came. कि मैं क्यों आया हूँ यदि उस बात पर तुम विश्वास नहीं करते तो. Then you will die in sin. In your sin. तो भी तुम अपने पाप में मरोगे. But believe, I came to call you sinner. That you be saved. लेकिन यह मान लो कि तुम पापी लोगों को बुलाने के लिए तुम्हारा उद्धार हो जाए इसीलिए मैं आया हूँ यह मान लो. So Jesus came with purpose. तो यीशु उद्देश्य के साथ आया. So he came with a purpose in my life. तो मेरे जीवन में यीशु उद्देश्य के साथ आया. And he called me. और उसने मुझे बुलाया. Before I didn't know why he has called me. पहले मैं नहीं जानता था कि उसने मुझे क्यों बुलाया. I just was praising God. मैं केवल परमेश्वर की प्रशंसा करता था, उसका धन्यवाद करता था. I love to sit in his presence. और उसकी उपस्थिति में बैठना मुझे बहुत अच्छा लगता था. Hours I spent sitting in his presence. और बहुत सारे कलाकों तक मैं उसकी उपस्थिति में बैठता था. And this is the truth. This is true. To believe that I don't want to come out from my house. और यह सच्ची बात है, विश्वास योग्य बात है जो मैं कहता हूँ कि मैं उसकी उपस्थिति में से मेरे घर से बाहर निकलना नहीं चाहता था. I just love praising God and worshiping him. केवल परमेश्वर की महिमा करना, उसकी आराधना करते रहना, केवल वही मुझे अच्छा लगता. I don't want to beat anyone. किसी को मारना मुझे अच्छा नहीं. Meet anyone. माफ करना, किसी को मिलना भी मुझे अच्छा नहीं लगता था. I just worship, I play my keyboard and I just worship God. मैं मेरा कीबोर्ड बजाता था और केवल प्रभु की आराधना करते रहता था. But I didn't know the purpose of his calling. लेकिन उसकी बुलाहट का उद्देश्य मैं नहीं जानता था. Reading Bible, I find out. बाइबल पढ़ने के द्वारा मुझे यह पता चला. And after 2 years coming to the Lord, 2 years I received the answer of my calling. और प्रभु के पास आने के 2 साल के बाद मेरी बुलाहट का उद्देश्य क्या है वह मुझे पता चला. I'm not going to give my testimony. मैं मेरी गवाही देने वाला नहीं हूँ. In 95, I came to Lord. 1995 में मैं प्रभु के पास आया. And in 97, I received His calling. और 1997 में मैंने उसकी बुलाहट को पाया. He called me as a pastor. उसने मुझे पासवान बनने के लिए बुलाया. He gave me heart of pastor. उसने मुझे पासवान का हृदय दिया. And in 2000, I started fellowship with 3 people. और 2000 के साल में 3 लोगों के साथ मैंने संगति शुरू की. And more than 100. I have baptized people. और 100 से ज्यादा लोगों को मैंने बपतिस्मा दिया है. And I really thank God for everything. और यह सारी बातों के लिए मैं सच में परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ. I learned one thing from my life. मेरे जीवन से मैंने एक बात सीखी. If you don't do ministry, यदि आप सेवकाई ना करो, at least if you don't do ministry. यदि यदि सेवकाई का काम ना करे, then someone other will do. तो फिर कोई दूसरा आकर करेगा. This is the truth. यह सत्य है. If the original branches were cut off, और जो मूल डालियां थी उसे काट डाला गया, who you are? तो
भी तुम कौन हो? I can add any branch to that original tree. वह मुख्य पेड़ के साथ मैं कोई भी डाली को जोड़ सकता हूँ. So never boast of anything. तो कोई भी बात का अभिमान ना करो. Praise God. प्रभु का महिमा हो. We are being called. हमें बुलाया गया है. With some purpose. कोई उद्देश्य के साथ. Be in the Lord. प्रभु में बने रहो. Until you don't die a saint, don't die. संत बनकर जब तक आप ना मरो तब तक आप मत मरना. Until you don't be saint, don't die. जब तक आप संत ना बनो तब तक मरना नहीं. Or call your call or teach your children that they call you saint. और आपके आपके बच्चों को भी ना सिखाओ. आपके बच्चों को भी सिखाओ कि वे आपको संत कहें. So that you can die peacefully. ताकि वह सुनकर आप शांति में मरो. Because there is no one that call you saint. क्योंकि आपको संत कहने के लिए बाहर तो कोई है नहीं. So you have been called separate from the world. तो हमें बुलाया गया है, संसार से अलग किया गया है. So we are in the church. तो हम कलीसिया में हैं. Not where the cross and where the bell is. जहां पर वधस्तंभ होता है और वो घंट होता है वह कलीसिया नहीं. Church is family of God. मंडली का अर्थ होता है परमेश्वर का परिवार. Praise God. प्रभु का महिमा हो. परमेश्वर आप सबको आशीष दे. आइए हमारी आंखें बंद करें. Jesus Christ, we thank you. यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं. You have called us. आपने हमें बुलाया है. With purpose. उद्देश्य के साथ. Until we don't fulfill all your desire. आपकी सारी इच्छाओं को जब तक हम पूरा ना करें. Don't let us die. तब तक हमें मरने ना देना. Give us life. हमें जीवन देना. Give us energy. हमें ताकत देना. Yes, give us your joy. आपका आनंद हमें देना. Give us your wisdom. आपका ज्ञान हमें देना. Talk with us every day. हमारे साथ हर रोज बात करना. And let we find out the purpose. और हम हमारा उद्देश्य ढूंढ निकाले. Bless your people, I pray, Father. पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ आपके लोगों को आशीष दो. Thank you for all your grace. आपके सारे अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद. Jesus Christ, thank you for choosing us. यीशु मसीह, हमें पसंद करने के लिए आपका शुक्रिया. Thank you for calling us. हमें बुलाने के लिए आपका धन्यवाद. We are saved by your grace. आपके अनुग्रह से हमें बचाया गया है, हम उद्धार पाए. And we are joined. We thank you for your join us with the original church. और आपने हमें सच्ची कलीसिया में जोड़ा है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं. आपका बुलाने का उद्देश्य क्या है वह जानने के लिए आपने हमें अनुग्रह दिया है. Father, we pray for each one. पिता, हम हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं. आप सुन रहे हो. Those who are listening. और जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए, let them understand the message. वे यह संदेश को समझे. And receive the truth. और सत्य का स्वीकार करें. In Jesus name. यीशु के नाम में. Amen. Amen. Praise God. परमेश्वर का महिमा हो. Hallelujah. Hallelujah.